राहुल गांधी ने रैली में फिर से आरक्षण वाली बात कही। फेक वीडियो के आधार पर बीजेपी को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं, रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे मैं आपको जैनेन्द्र के पास लिए चलता हूं। जैनेन्द्र, ये जो फेक वीडियो है उसके जरिए फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कांग्रेस के कई नेता कर रहे हैं इस मामले में। आपको आप थोड़ी देर पहले नीरज भी बता रहे थे कैसे मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है, कहा जाता है मोबाइल वगैरह लेकर आप आइएगा, लैपटॉप लेकर आइएगा, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी अभी भी जनसभाओं से इस पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है वो ये आरोप काफ़ी पहले से लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार फिर से आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। और आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। ये जो फेक वीडियो का मामला है ये एक अलग मामला है, और संविधान और आरक्षण पर को खतरे में बताए जाने का जो मामला है वो एक अलग मामला है। ये एक राजनीतिक आरोप है और उसी को राहुल गांधी ने आज गुजरात के पाटन में जो सभा थी उसमें एक बार फिर से दोहराया। मतलब आप ये कह रहे हैं जैनेन्द्र, एक चीज क्लियर करिए, आप एक मिनट जैनेन्द्र, आप ये कह रहे हैं कि इस फेक वीडियो के आधार पर राहुल गांधी ने ये बातें नहीं कही हैं? बिल्कुल भी नहीं अखिलेश, अगर आप ध्यान दें तो इंडिया अलायंस काफ़ी पहले से ही लगातार आरक्षण को लेकर के और संविधान को लेकर के मौजूदा सरकार, मोदी सरकार को घेरती रही है। ये जो फेक वीडियो अमित शाह के तथाकथित बयान का वीडियो जो सर्कुलेट किया गया है जिस पर लेकर FIR भी दर्ज हुई है, ये तो एक अलग मामला है जिसमें अब कार्रवाई हो रही है। जैसा नीरज जी बता रहे थे कि रेवंत रेड्डी को तलब किया गया, अभी देखना है कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रणनीति होती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से पहले से ही आरक्षण को लेकर के घेरते रहे हैं। और ये एक पॉलिटिकल आरोप है कि आरक्षण जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और राहुल ने एक तर्क भी दिया कि निजीकरण चुकी किया जा रहा है, तो जब निजीकरण हो जाता है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उस वर्ग को। तो राहुल ने उस दलील के तहत कहा कि निजीकरण किया जा रहा है, ऐसे में आपका आरक्षण जो है वो खतरे में है। जैनेन्द्र, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।